वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग। देखिए, आप लोगों का बहुत सारा सवाल आता है कि यूपी में कुल कितने ज़िले हैं और कौन कौन से मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। जैसे कि अभी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको 18 मंडल यानी कि डिवीज़न का नाम दिखाया था। तो किस डिवीज़न में कितना डिस्ट्रिक्ट आता है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। RRB NTPC के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा SSC और जो भी परीक्षाएं होती हैं, यूपी की परीक्षाएं तो विशेष महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यूपी पुलिस वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो याद रखना इन बातों को। चलिए देखते हैं। कुल 18 डिवीज़न है, टोटल 18 डिवीज़न है। 18 डिवीज़न के अंतर्गत 75 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो सबसे पहला जो डिवीज़न है वो है आगरा। जी हाँ, आगरा विश्वविख्यात ताज की खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला आगरा। इसके कारण आगरा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का भी नाम विदेशों में भी होता है। आगरा डिवीज़न के अंतर्गत आगरा जिला आता है, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ये सभी आगरा डिवीज़न में आते हैं। दूसरा नंबर है चर्चा में रहने वाला अलीगढ़। जी हाँ, अलीगढ़ को अंतर्गत अलीगढ़ जिला आता है, ईटा जिला आता है, हाथरस और कासगंज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको अपडेट करके दिखाया था कि इलाहाबाद मंडल का नाम बदल करके प्रयागराज मंडल कर दिया गया है। तो इसको याद रखना, इलाहाबाद ज़िले का नाम भी बदल दिया गया है और इलाहाबाद मंडल का नाम भी बदल दिया गया है। तो तीसरे नंबर पर अभी तक आता था इलाहाबाद, अब आता है प्रयागराज। जी हाँ, अब इलाहाबाद मत बोलना, क्योंकि अब इलाहाबाद का नामो निशान हो चुका है ख़त्म, अब ये हो चुका है प्रयागराज। लेकिन एक बात याद रखना, इलाहाबाद में जो भी कुछ इलाहाबाद नाम से चीज़ें और भी थी, सिर्फ मंडल और ज़िले का नाम बदला गया बस। जैसे इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इन सभी से इससे कोई तात्पर्य नहीं है, उनके पुराने नाम ही रहेंगे। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका ज़िले और राज्य से कोई नाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक ना। तो इलाहाबाद ज़िले का नाम और मंडल का नाम दोनों बदल गया है, अभी हो गया है प्रयागराज मंडल और ये हो गया प्रयागराज ज़िला। तो प्रयागराज के अंतर्गत आता है फतेहपुर, कौसाम्बी और प्रतापगढ़। जी हाँ, फतेहपुर, कौसाम्बी और प्रतापगढ़। अगला है आजमगढ़। आजमगढ़ में कौन कौन सा गढ़ है देखना ध्यान से। आजमगढ़ में आता है आजमगढ़, बलिया और मऊ। ये जो मऊ लिखा है ना, मऊ किस में आता है, ये आजमगढ़ में आता है। अगला है आपका नंबर पाँचवें पर है बरेली। याद रखना, कुल मिलाकर के 75 ज़िले हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो दूसरे राज्यों से हैं वो हमसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करके व्हाट्सएप पर भी, ईमेल भी करते हैं कि सर ये बताइए, जब 18 मंडल है तो 75 ज़िले कैसे हैं और यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी क्या हाल चाल है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा की कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी सीटें हैं, कमेंट करके बताना। विधानसभा की कितनी है ये भी बताना। हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं, अभी इस वीडियो में बताएंगे लास्ट में, सुनते रहना। तो मित्रों, बरेली में, बरेली के अंतर्गत आता है बदायूं। जो यहाँ पे बदायूं लिखा है ये क्या है, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। छठवां मंडल है बस्ती। बस्ती के अंतर्गत आते हैं भाई बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। इसमें दो नगर हैं और एक बस्ती है। नंबर सातवां पर आता है आपका चित्रकूट। चित्रकूट ये पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा, वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, लोग जाते हैं। चित्रकूट के अंतर्गत आता है बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। ये सभी चित्रकूट डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट के नेम हैं। और चित्रकूट के बाद आता है देवीपटल मतलब गोंडा। गोंडा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो थोड़ा सा रुकना, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे हुए थे, गोंडा। गोंडा के अंतर्गत आता है बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। जी हाँ, गोंडा डिवीज़न यानी गोंडा मंडल के अंतर्गत आने वाले ये सभी ज़िले हैं, जो कि आपने देख लिया। अगला नंबर है आपका फजाबाद। फजाबाद मतलब ये गलत लिखा गया बाबू, इसको ध्यान से देखना। पहला नंबर तो इसका नाम और निशान ख़त्म हो चुका है, अब ये फजाबाद नहीं, मतलब इसको बोलते तो थे पहले फैजाबाद, जो कि यहाँ पर देखो राइट लिखा गया है। तो ये क्या था, ये था फैजाबाद, अब नहीं रहा। अब याद रखना, फैजाबाद का नाम बदल चुका है, ये हो चुका है
श्री रामचंद्र जी की नगरी अवध यानी कि अयोध्या। अब मंडल का नाम आप फैजाबाद नहीं बोलना, अयोध्या। और यहाँ पे जो ये फैजाबाद लिखा है इसका भी नाम मिटाते हुए अब अयोध्या कर दिया गया है। तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, 2019 की नई अपडेट बता रहा हूँ, मई जून की, ठीक है। अयोध्या मंडल के अंतर्गत आएगा अंबेडकर नगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। जी हाँ, अभी तक अमेठी नहीं था, अमेठी जो है ये सुल्तानपुर में ही था, लेकिन ये इसके ज़्यादा उथल पुथल मच रही थी तब ये सुल्तानपुर से अलग होकर के अमेठी एक नया ज़िला बन चुका है। और अमेठी में बहुत कुछ, अब सब कुछ अलग हो चुका है लगभग। उसके बाद अगला आता है गोरखपुर। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। और एक आता है बीरो की नगरी झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना होगा ना। झांसी के अंतर्गत मात्र 3 जिले आते हैं झांसी मंडल के अंतर्गत, जिनमें है जालौन, झांसी, ललितपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर, कानपुर में जो ज़िले हैं उनमें है औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, ये सभी कानपुर के मंडल हैं। इसमें और भी ज़िले हैं, मैं उनको दिखाऊंगा, देखते रहना, कहीं मत जाना। हाँ तो दोस्तों देखिए, कानपुर में हमने बताया था आपको और भी ज़िले हैं। कानपुर में आता है कानपुर देहट, नहीं कानपुर देहात इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कानपुर देहात। एक मिनट रुकना, तो मैं आपको लिख के दिखा दूँ। कानपुर देहात और कानपुर नगर ये दोनों अलग अलग ज़िले हैं, तो ध्यान देना, ऐसे लिखा जाता है कानपुर देहात, यहाँ पे गलत लिखा है कानपुर नगर। तो सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पर देखा होगा अगर ज़िले हैं तो वो हैं कौन से मंडल में, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अभी हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग जो हमने अभी तक देखा है उनमें लखनऊ मंडल में और कानपुर मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। उसके बाद आता है नवाबों का शहर लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, कैपिटल भी है यूपी की। और इसके अंतर्गत जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिनमें है हरदोई, क्या नाम है, हरदोई, लखीमपुर, लखीमपुर खेड़ी, मतलब लखीमपुर की आप लोग जानते हैं, खेड़ी मत सुनना। और एक डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, चर्चा में रहा है अभी हाल ही में, आपने सुना होगा, है ना। उसके बाद आता है मेरठ, नंबर 14 पे मेरठ। मेरठ भी बहुत ही मशहूर है, मेरठ का बहुत कुछ फेमस है, आपने सुना होगा। मेरठ के अंतर्गत आता है बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुर। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा ऊपर साइड में 3 और 3 6 जिलों का नाम ना, मेरठ मंडल के अंतर्गत। आगे नंबर 15 पे आता है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आपको मिलते हैं मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र। सोनभद्र भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा, कमेंट करके बताना काहे लिए रहा, उन्नाव काहे लिए चर्चा में है, ये सब रामनगरी है, सब कुछ होता रहता है। अगला है मुरादाबाद, मुरादाबाद में कौन कौन आता है, मुरादाबाद के अंतर्गत आते हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। रामपुर भी इस समय बहुत हाईलाइट हो रहा है, कमेंट करके बताना, रामराज चल रहा है ये सब, बताना कमेंट करके। रामपुर, सोनभद्र और उन्नाव इस समय बहुत ही चर्चा में है। सहारनपुर, सहारनपुर में जो मंडल के अंतर्गत यानी कि सहारनपुर ये डिवीज़न का नाम है, इस डिवीज़न के अंतर्गत आपके आते हैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, शामली डिस्ट्रिक्ट। और नंबर 18वां आता है माननीय प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वाराणसी मंडल के अंतर्गत सबसे पहले तो वाराणसी जिला आता है, उसके बाद आता है चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। तो इस तरह से आपने देखा यूपी के टोटल 18 डिवीज़न और 75 डिस्ट्रिक्ट, है ना, देख लिया ना। तो कमेंट करके बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, ये हमारी आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी, प्रार्थना होगी, तो बाबू इस प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करना और इस वीडियो को वायरल ज़रूर कर देना। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था, तो हमारा भी आपसे यही क्वेश्चन है कि आप इसे जब भी देखेंगे पूरा देखेंगे और वायरल ज़रूर करेंगे, कम से कम 2-4 लोगों को भेजिए, बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना है, फिर भी आप रहते हो यूपी में, तो आपको जानना चाहिए कि आखिर आप किस मंडल में हो, कहीं आप दूसरे जगह चले गए, वहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चन किया कि भाई आप यूपी में हो, यूपी में कौन से मंडल से आते हो,
तो आपको ये नहीं पता, अरे बाबू ये मंडल का होता है, मैंने तो आज पहली बार सुना मंडल। तो मंडल को आज आप पहली बार नहीं, अब इसको बार बार सुनना। मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। अभी हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में यूपी में कुल कितनी तहसीलें हैं और उन तहसीलों का क्या नाम है। हाँ जी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कितनी पंचायतें हैं और उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं, कितने विलेज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा जो मंडल आता है वो है अयोध्या मंडल। जी हाँ, अयोध्या मंडल, श्री राम जी की नगरी अवध। अयोध्या मंडल में हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है सुल्तानपुर। बाकी अगर प्रजेंट में आपकी बात करें तो वो आता है प्रयागराज। दोनों ही बहुत ही धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और प्रयागराज में आपका PVR स्टडी चलता है, जो कि मंडल का नाम बदल चुका है, इलाहाबाद से प्रयागराज हो चुका है। अवध में हमारा छोटा सा आसियाना है, यानी कि अवध मंडल के अंतर्गत सुल्तानपुर में, और उसका भी नाम बदल चुका है। तो यानी कि दोनों अपडेट जो हुए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, इस वीडियो को शेयर करके जाना, धन्यवाद। और हाँ, लाइक नहीं किया ना तो लाइक करके जाना।